हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी वेरी फाइन। स्टूडेंट्स, टुडे आवर सब्जेक्ट इज फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स फॉर बीवीए फिफ्थ सेमेस्टर एंड सो टुडे आवर द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इज नंबर सिस्टम। ओके स्टूडेंट, आज ही हमारा स्टूडेंट नंबर सिस्टम का पार्ट टू है और हम जो है इसमें स्टूडेंट जो है आज हम नंबर सिस्टम में हमने स्टूडेंट बाइनरी नंबर को हमने स्टूडेंट स्टार्ट किया। हमने स्टूडेंट किया डिस्कस कि भाई कितने टाइप्स के नंबर सिस्टम्स हम यूज करते हैं कंप्यूटर्स में। जैसा कि हमने स्टूडेंट किया डिस्कस भाई बाइनरी नंबर्स, ऑक्टल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, हेक्साडेसिमल नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सर दीज आर द नंबर्स व्हिच वी हैव टू यूज इन कंप्यूटर सिस्टम टू रिप्रेजेंट द डेटा इन डिफरेंट फॉर्मेट। लेकिन स्टूडेंट सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट कि कंप्यूटर जो है स्टूडेंट वो बाइनरी नंबर को अंडरस्टैंड करता है, उसे कोई एग्जीक्यूट करता है, उसे कोई समझता है, जो कि हमारा कॉम्बिनेशन होता है दो नंबर का, 0 एंड 1। तो सर कल के लेक्चर में हमने स्टूडेंट जैसे ही मान लो कि हम स्टूडेंट डेसिमल नंबर को समझते हैं जो कि 0 और 9 से के बीच में होते हैं, जो कि 0 9 मतलब इन नंबर से मिलके बने होते हैं। तो स्टूडेंट इस नंबर को हम इजीली समझ सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है इनको नहीं समझता। कंप्यूटर क्या करता है कि कंप्यूटर पहले जो है इनको जो है बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करता है। तो स्टूडेंट कल के हमने लेक्चर में हमने एक बाइनरी नंबर को जो है हमने स्टूडेंट जो है हमने डेसिमल में हमने कन्वर्ट किया, और आज के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम स्टूडेंट क्या करेंगे, एक डेसिमल नंबर को जो है वो हम बाइनरी में हम कन्वर्ट करेंगे कि कैसे हम एक डेसिमल नंबर को जो है हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। भाई हमको तो पता है कि भाई ये नंबर डेसिमल, लेकिन कंप्यूटर को कैसे, कंप्यूटर इसको क्या मानेगा, इसको क्या लिखेगा, इसको क्या समझेगा। तो भाई कहने मतलब है स्टूडेंट्स कि हम आज जो है डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम कैसे एक डेसिमल नंबर को हम बाइनरी नंबर में चेंज करेंगे। स्टूडेंट कल मैंने आपको यूट्यूब पर स्टूडेंट एक क्वेश्चन दिया था कि मैंने आपसे पूछा था कि क्या नाम है कि एक नंबर था 1010000। स्टूडेंट ये नंबर था और मैंने कहा था कि इस बाइनरी नंबर को आपको जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट करना था, जिसका आंसर था 46। ठीक है स्टूडेंट, तो एक स्टूडेंट है इतिशा श्रीवास्तव, उसने स्टूडेंट इसका आंसर सही दिया है, जिसका इसका आंसर है 46। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट आप और भी लोग स्टूडेंट जो लेक्चर देख रहे हैं तो वो भी स्टूडेंट जो है कमेंट सेक्शन में जो है आंसर दीजिए जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडेंट इस लेक्चर में हम स्टूडेंट जो है क्या नाम है आज जो हम क्वेश्चन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। भाई हमारा जो एक नंबर है, हमारा स्टूडेंट ये नंबर है 42। ये स्टूडेंट हमारा डेसिमल नंबर कह रहा था जिसका बेस होता है 10, और हमें जो है वो उसको जो है स्टूडेंट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, यानी 0 और 1 की फॉर्मेट में इसको हमें लेके आना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे पहले वाले स्टूडेंट लेक्चर में मैंने आपको स्टूडेंट बताया था कि भाई कैसे हम जो है एक बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट वो वाला लेक्चर आप जरूर देखें, तभी जो है आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे कि भाई हम कैसे एक बाइनरी को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो आज स्टूडेंट जो है हम ये कन्वर्जन जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले स्टूडेंट इसका हम कन्वर्जन कैसे करेंगे, जैसे कि स्टूडेंट हमने क्या किया था कि हमने एक बाइनरी नंबर को जब हमने डेसिमल में हमने जब कन्वर्ट किया था, तो हमने बाइनरी नंबर को राइट साइड से हमने 2 की जो है पावर 0 से हमने स्टार्ट की, 0 1 2 ऐसे करके हम इंक्रीज करते गए, और 0 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके उन सबको हमने जोड़ के फिर हमारा जो भी हमारा वो हमारा डेसिमल नंबर आ गया। तो उसमें हमने क्या किया था कि 2 की जो पावर है इंक्रीजिंग पावर में हमने मल्टीप्लाई करते चले गए थे। लेकिन स्टूडेंट इसमें हम क्या करेंगे, जब हम डेसिमल से बाइनरी में चेंज करेंगे तो जो हमारा स्टूडेंट 42 नंबर है इसकी हम क्या करेंगे 2 से हम जो है फैक्टर सम निकालेंगे। ठीक है, तो 2 से हम इसके फैक्टर सम निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा होगा 2 2 4 2 1 2 1 2। देखिए स्टूडेंट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि इसमें स्टूडेंट हमें देखना है रिमाइंडर यानी शेषफल, यानी कि जो भी हमारा बचेगा। अब तो 2 तो 42 से पूरा कट गया, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर हमारा बचा 0। तो 0 हमने जो स्टूडेंट हमने यहां पे लिख लिया, फिर हमने किया, तो स्टूडेंट अब ये जाएगा स्टूडेंट 2। अब ये स्टूडेंट जो है 21 को जो हम डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट ये जो है वो हमारा 10 टाइम्स जाएगा। तो 2 टेंस होते हैं 20, तो हमारा स्टूडेंट 1 रिमाइंडर हमारा यहां बच गया। जो रिमाइंडर बचा क्योंकि 21 में से 20 गए तो 1 रिमाइंडर बचेगा, वो हमने यहां लिख दिया। ऐसे ही स्टूडेंट हम इसको 2 से 5 से करेंगे, तो 2 5 का 10, 0 बचा हमारा रिमाइंडर। फिर से करेंगे 2 2 का 4, तो स्टूडेंट हमारा क्या बचा रिमाइंडर, हमारा रिमाइंडर बचा 1, तो हमने यहां लिख लिया। और हमने क्या किया, 2 1 2 और रिमाइंडर हमारा बचा 0।
ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्टूडेंट बात आपको जो है वो समझनी है कि देखिए स्टूडेंट, अब हमारा वन बचा यहाँ पे, ठीक है। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है कि अब देखिए ये जो हमारा जो टू है वो इससे क्या है, वो इससे जो है स्टूडेंट क्या है बड़ा है। तो आप देखें मतलब यहाँ पे जो सारे जो हम जिसको हम डिवाइड कर रहे थे वो सारे के सारे क्या थे, वो मतलब क्या सारे टू से बड़े थे या टू के, या फिर टू से बड़े थे या टू के बराबर थे लेकिन टू से छोटे नहीं थे। तो कहने मतलब क्या है स्टूडेंट, कहने मतलब ये है कि जब आपका जब आपका केवल वन बचे तो वहां पे आप क्या कर देंगे, वहां पे आप स्टॉप कर देंगे, ठीक है। वहां पे आप क्या कर देंगे स्टूडेंट, वहां पे जो है हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है। हाँ, 10 10 0 10 0 10 0, हाँ ठीक है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। तो मतलब यहाँ पे आप स्टॉप कर देंगे, ये हमारा जो वन आया ये इससे हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, मतलब ये हमारा वन आ गया तो यहाँ पे हम आगे हम इसको जो है आगे डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये हमारा हो गया, जब हमारा ये वन हमारा लास्ट में जब हमारा यहाँ पे बच जाएगा तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो रिमाइंडर जो हमारे बचे यानी ये लास्ट में स्टूडेंट, इस वन को भी हम काउंट करेंगे। ये जो वन है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे बॉटम टू टॉप, यानी हम इसको बॉटम टू टॉप लिखेंगे। यानी कि हमारा पहले ये बचा वन, इसको हम स्टूडेंट यहाँ पे इसको हम यहाँ से लिखना स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे वन, फिर हमारा बचा जीरो तो जीरो लिखा, फिर ये हमारा बचा वन, फिर ये वन लिखा, फिर ये जीरो बचा, फिर ये वन और फिर ये जीरो। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारा स्टूडेंट ये जो है 42 जो है वो हमारा जो है बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो हम रिमाइंडर जो हम लिखेंगे वो हम कैसे लिखेंगे, बॉटम टू टॉप यानी बॉटम से लिखना स्टार्ट करेंगे और इस तरफ से लिखना स्टार्ट करेंगे हमारे लेफ्ट हैंड से। यहां से नहीं लिखेंगे, यहां से वन यहां आएगा, फिर इस तरीके से हमारा आगे नंबर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहेंगे बॉटम टू टॉप। तो यहाँ पे स्टूडेंट लिख लेंगे बॉटम टू टॉप, रिमाइंडर को हम लिखेंगे बॉटम टू टॉप, रिमाइंडर को हम स्टूडेंट कैसे लिखेंगे बॉटम टू टॉप हम नोट करेंगे। अब स्टूडेंट आपको ये चेक करना है कि भाई मेरा ये जो नंबर है, मेरा ये जो नंबर है, जैसे मैंने स्टूडेंट कल आपको बताया था कि हम ये हमारा स्टूडेंट बाइनरी फॉर्मेट में आ गया, तो ये हम इसको फिर हम जो है डेसिमल में कन्वर्ट जो है हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कल मैंने आपको बताया कि हम भाई चेक करें कि भाई ये हमारा जो सोल्यूशन है कि वे सही है कि नहीं है। तो मतलब ऐसे मान लो ये हमारा अभी हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, इसको दोबारा स्टूडेंट आप जो है जो मैंने जैसे कल आपको जो आपको तरीका बताया कि हम कैसे किसी एक बाइनरी नंबर को हम कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट इसको ही जो है हम कन्वर्ट करके हम देख लेते हैं, जैसे मान लो ये नंबर है हमारा, तो ये हमारा है जीरो, तो ये हमारा हो गया 0 into 2 की पावर 0 प्लस, फिर ये 1 है तो 1 into 2 की पावर 1, फिर प्लस 0 into 2 की पावर 2 प्लस 1 into 2 की पावर 3 प्लस 0 into 2 की पावर 4 एंड प्लस 1 into 2 की पावर 5, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पहला आ गया 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1। इसको स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट ये हमारा है 0 इंटू 2 की पावर 0, तो स्टूडेंट ये तो हमारा हो गया, इसको जब सॉल्व करें तो ये तो हमारा स्टूडेंट हो गया 0, ये हमारा हो गया 2, ये हमारा हो गया 0, ये हमारा हो गया 8 और ये हमारा हो गया 0 और ये हमारा हो गया 2 2 4 8 16 32, ठीक है। तो 32 और 8 40 और 2 42, ठीक है स्टूडेंट। तो वही देखो नंबर हमारा आ गया, तो स्टूडेंट ये तरीका हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने चेक भी कर लिया, हमने इसको डेसिमल टू बाइनरी किया, फिर हमने फिर इसको बाइनरी टू डेसिमल कर दिया। यानी कि स्टूडेंट आप मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हम कैसे किसी एक नंबर को जो है हम कैसे जो है बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू हम बाइनरी में हम कन्वर्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो स्टूडेंट मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप जो है इसको कमेंट सेक्शन में इसका स्टूडेंट मुझे आप आंसर देंगे कि एक जो है हम डेसिमल नंबर को जो है हम कैसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं आपको एक नंबर स्टूडेंट अभी दे रहा हूं और मुझे आप बताएं कि कैसे हम एक डेसिमल नंबर को हम कैसे बाइनरी में हम कन्वर्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, इसको स्टूडेंट आपको बताना है कि इसका जो है वो डेसिमल नंबर क्या होगा। किस वन मैं भी एक मिनट आपको दे रहा हूँ नंबर।
चलिए स्टूडेंट, मैं एक नंबर दे रहा हूँ आपको, इसका आप आंसर स्टूडेंट जरूर बताइएगा। नंबर है स्टूडेंट 2671, थोड़ा बड़ा नंबर है तो आप स्टूडेंट इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। 2671, 2671 ये नंबर है, 2671 ये नंबर है। इसको ये स्टूडेंट आपका डेसिमल में है और इसको जो है स्टूडेंट आपको जो है बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये इसको आपको सॉल्व करना है। मैं स्टूडेंट को चेक कर लेता हूँ कि बोर्ड पर पूरा शो हो रहा है कि नहीं आपको। हाँ ठीक है स्टूडेंट, हाँ ठीक है स्टूडेंट, बोर्ड पे आपको शो हो रहा है पूरा अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट तो स्टूडेंट हमने स्टूडेंट इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीखी कि जब हम किसी नंबर को बाइनरी से जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 2 की पावर से हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर हमारी जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगी 0, 1, 2, 3। और जब हम किसी नंबर को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 2 से हम उस नंबर को डिवाइड करेंगे हम, और जो है हम उसके फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने पे हम उसके रिमाइंडर्स को नोट करेंगे और रिमाइंडर्स को जो है हम क्या लेंगे स्टूडेंट, हम बॉटम टू टॉप हम नोट कर देंगे। तो ये भी स्टूडेंट हमारा एक जो लास्ट में बचा है हम यहां से लिखना चालू करेंगे 1010010 इस तरीके से। ये स्टूडेंट ये देखिए मैं इसको कर दे रहा हूं ताकि स्टूडेंट आपको अच्छी से ये स्टूडेंट हमारे हो गए रिमाइंडर इस तरीके से। ठीक है तो ये 1010010 ये स्टूडेंट हमारा आंसर हो गया। तो ये स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि जब हम बाइनरी टू डेसिमल करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब हम जो है डेसिमल टू बाइनरी करेंगे तो 2 से हम डिवाइड करेंगे उस नंबर को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज तो हमने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट 2 था हमारे नंबर सिस्टम का। तो स्टूडेंट हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने जो है स्टूडेंट जो है हमने बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हमने सीखा। और स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप देंगे कि 2671 जो हमारा डेसिमल नंबर है इसका बाइनरी फॉर्मेट में क्या नंबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप स्टूडेंट लेक्चर को आप अच्छे से देखें और फिर देख के इसके नोट्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच।